जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 26 सितंबर से यानी कि हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री कोर्स चलाएगी 3 महीने का, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। हॉस्टल वार्डन, एडीओ या सब इंस्पेक्टर की तीनों ही परीक्षाओं के लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। जिन लोगों को पसंद आ गया वीडियो को, जी बिल्कुल राजेश, हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना कोर्स, हाँ बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हॉस्टल वार्डन, एडीओ और सब इंस्पेक्टर तीनों ही परीक्षाओं के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स लेकर आए हैं। 3 महीनों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगा। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होगा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न। जितने भी मैं क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा व्यापम और पीएससी में कई बार विगत वर्षों के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। जो भोरमदेव मंदिर है, देखिए सीजीपीएससी 2005 में पूछा गया है। देखिए आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए विगत वर्षों के आप सभी को करा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज से स्टार्ट हो चुका है 26 सितंबर यानी कि आज रात 8 बजे से, ठीक है, आज रात 8 बजे से बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो हुआ था 11वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सा शताब्दी में हुआ था, 11वीं शताब्दी में। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। जल्दी करिएगा, जल्दी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, सर्वाधिक प्रतापी कलचूरी नरेश निम्नलिखित में से कौन सा था। जो कलचूरी नरेश था सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा, वो आपका जाजल्य देव था। कौन था, जाजल्य देव, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रथम, जाजल्य देव प्रथम होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को जुड़ जाइएगा। राजेश, हाँ कौन कौन जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, है ना, जितने भी जुड़ चुके हैं सो सभी को नमस्ते। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें क्या, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संसद से अधीन था। जो पंचकुल नामक है किससे अधीन था, ऑप्शन ए देखते हैं कलचुरियों के, ऑप्शन बी है मराठों के, ऑप्शन सी अंग्रेजों के, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्वेश्चन देगा, हाँ 2 से 3 लोगों का आंसर आना चालू हो चुका है, हाँ आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है कलचुरियों से, ठीक है, आंसर रह जाएगा कलचुरियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर का निर्माण किया। देवपाल मोची ने कहाँ पर किया, जल्दी बताइए, देवपाल मोची ने, बिल्कुल देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर को स्थापित किया है, जो नारायण मंदिर बनाया है, हाँ आंसर भी हो जाएगा खल्लारी में, ठीक है, खल्लारी में जो कि देवपाल मोची था वो नारायण मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है। जल्दी से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ राजेश, रीना, सीता, गोलू, घनश्याम, हाँ बिल्कुल क्लास ज्वाइन कीजिएगा ना, हाँ बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। राजधानी को देखिए रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था, बिल्कुल एग्जाम में आता है यह प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वहरेंद्र, आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में किस वंश के शासकों से संरक्षण प्रदान किया गया था। जो संरक्षण प्रदान किया था, कलचुरी आएगा, आंसर यह हो जाएगा, बिल्कुल सही, कलचुरी वंश, ठीक है, कलचुरी आएगा। नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, काकती वंश, बिल्कुल सही, काकती वंश, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, जो नागवंशी है पर, हाँ बिल्कुल सही है, काकती वंश आ जाएगा। चलिए कल्याण शाह किस सम्राट का समकालीन था। जो कल्याण शाह है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कल्याण जो शाह है, ठीक है, कल्याण शाह किन सम्राट का समकालीन था, बिल्कुल आंसर आना चालू हो चुका है, ठीक है, आंसर आना चालू हो चुका है, अकबर का समकालीन था, वेरी गुड अकबर का समकालीन था। राजेश का सही हुआ है, गोलू का, घनश्याम का, सीता, रीना, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों को सही है, ठीक है। राजेश, हाँ क्या पटेल जी, क्या पटेल जी लिखते हो भाई यहाँ पर, रमेश पटेल ना, चलिए रमेश पटेल, रवि पटेल, हाँ चलिए बिल्कुल सही है, आप लोगों का सही हो चुका है, आंसर रहेगा, ठीक है, अकबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली, जल्दी बताइए क्या आएगा, चंपारण आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, चंपारण, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, चंपारण, बिल्कुल आज से प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। आज कौन सा है, 26 सितंबर है, आज रात 8 बजे से, ठीक है, आज रात 8 बजे से हमारे YouTube चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का टॉपिक देख रहे हैं आज, ठीक है। कल से सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास होगी, कल सुबह कंप्यूटर की क्लास होगी। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, डेली आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, टोटल आपका 1000 MCQ कराया जाएगा, ठीक है। कल से स्टार्ट होने वाली है, कल सुबह 9 बजे से कंप्यूटर की क्लास, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
चलिए इसका क्या आएगा, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी, कलचुरियों के बाद मराठाकालीन ने, मराठाकालीन ने, ठीक है, क्या आ जाएगा, मराठाकालीन, ठीक है, आंसर क्या आएगा, मराठाकालीन, मराठों ने। चलिए निम्न कथनों को पढ़िए और छत्तीसगढ़ का CMO कौन 2000 में बना था, चलिए देखते हैं तो आंसर क्या क्या है। पहला, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि प्रशासन के विभागों को दायित्व अमाल्य मंडल था, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कि तीनों गढ़ों को विभाजित तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते हैं, तो कूटबद्ध हम मिलाएंगे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कलचुरी वंश का आया था इसका पहला आंसर गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। प्रशासन के विभागों का जो दायित्व है अमान्य मंडल था, इसके बाद है राज्यों का विभाजित था जो प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही है, 84 ग्राम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए छिंदक नागवंश का शासन कौन सा है, चलिए बताइए छिंदक नागवंश का शासन काल, हाँ बिल्कुल छिंदक नागवंश में बता रहा हूँ ना, छिंदक नागवंश से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास वाले प्रश्न देख रहे हैं, जो कि CG व्यापम और PSC में बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू करते जाइएगा, लास्ट एक वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। छिंदक नागवंश का शासनकाल कितना है, बिल्कुल राइट, 9 से 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 से 10 लोगों का, ठीक है, 1023 से 1324, ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ, जो गंगा महादेवी है, राकेश, मीना, सीता, गोलू, हाँ बिल्कुल सब लोग ही, सभी लोगों का सही है, ठीक है, गंगा महादेवी का एक शिला, हाँ देखिए अब 9 से 10 बोल रहा था मैंने, यहाँ पर 15 से 20 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 से 10 लोगों का मैं बोला था लेकिन 15 से 20 लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है। राजेश गलत नहीं, उत्तरी यहाँ पर, हाँ अरे यहाँ पर क्या आएगा यार, देखो कैसे कैसे ऑप्शन, देखो यहाँ पर गंग महादेवी का एक शिला लेख बोला हूँ मैं, शिला लेख कहाँ से प्राप्त होता है, बारसूर से, कहाँ से, बारसूर से, ठीक है। निम्न में से काकतीय शासक है, काकतीय शासक कौन है, देखिए जो काकतीय शासक है अन्नम देव हैं, हमीर देव हैं, भैरम देव हैं, ये सभी कौन सा आएगा, ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, जो काकतीय वंश के शासक है अन्नम देव, हरीम देव और भैरम देव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सभी आएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, असत्य कथन देखना है, ठीक है, तो असत्य कथन देखते हैं। तो पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राजा कलचुरियों ने स्थापित की, ये तो बिल्कुल सही है, कथन पूछा गया है ना, गलत चिन्ह पूछा गया है, तो देखते हैं रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसकी राजधानी बना था, ये भी बिल्कुल सही है। रतनपुर में देखिए, रतनपुर में सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्य देव था, जाजल्य प्रथम, ठीक है, तो ये बिल्कुल तीनों ही सही है, ठीक है, बिल्कुल तीनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर कथन असत्य बोला गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जुगपाल देव, ये जुगपाल नहीं है, जगपाल देव है, ठीक है, जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था, छत्तीसगढ़ CMO 2010 में पूछा गया है, ठीक है, इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वीदेव द्वितीय ने बोला था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, ये प्रथम नहीं आएगा ना, पृथ्वीदेव दूसरा है, जो कि रतनपुर के कलचुरी राजा सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण कब किया था, छत्तीसगढ़, चलिए बिल्कुल बताइए, छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण कब किया था, किसने किया था, किसने किया था, महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने किया था क्या, बिल्कुल सही है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था, भोरमदेव मंदिर का निर्माण, जल्दी बताइए, यदि सभी लोगों का आंसर आ चुका है, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का आंसर सही आया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल 37 से 38 लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है, 37 से 38 लोगों का आंसर आ चुका है, जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया था फणी नागवंशी शासक ने करवाया था, किसने, गोपाल देव ने, किसने करवाया था, गोपाल देव ने, बिल्कुल आंसर सही है। देखिए यहाँ पर कौन लोग CG प्यून की एग्जाम दिलाए हैं, कौन कौन दिलाए हैं, जल्दी बताइएगा, CG प्यून की जो एग्ज़ाम दिलाए हैं 25 सितंबर को, कल ही जो लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं, कैसा बना था पेपर, कैसा बना है आप लोगों का पेपर, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा, जल्दी बताइए कैसा बना था, अच्छा बिल्कुल सही है, हाँ देखिए उसका भी मैं आज ही करा दिया हूँ, मैं उसका मॉडल आंसर भी डाल दिया हूँ ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम में, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूँगा, ठीक है, आज रात को दे दूँगा मॉडल आंसर, हाँ बिल्कुल, हाँ राजेश कह रहे, क्या कह रहा है राजेश, कैसा बना पेपर मैथ्स का, हाँ उसका सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, मैथ्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, CG प्यून का पूछ रहे हो ना, हाँ उसका मैथ्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, हाँ बिल्कुल।
हाँ इसी YouTube चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा उसको मैं सका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, मड़वा महल यानी कि शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? जो मड़वा महल है इसको राम भक्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मड़वा महल क्या आएगा? रामचंद्र। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? रामचंद्र है, ऑप्शन ए। जो कि शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? रामचंद्र ने करवाया था, ठीक है, रामचंद्र ने करवाया था। रत्नदेव का शासनकाल है, जल्दी बताइए, रत्नदेव का जो शासनकाल है इसका आंसर जल्दी बताइए, 1040 से 45, बिल्कुल सही। राजेश का पहला आंसर आया, ठीक है, राजेश का पहला आंसर आया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? लखनेश्वर मंदिर है, हाँ बिल्कुल सही। 1213, इतना आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है, देखिए कमेंट बहुत लोगों का आ रहा है, ठीक है, जल्दी बताइए। प्रताप मल आएगा, ठीक है, बी आंसर, बिल्कुल सही। राजेश, गोलू, हाँ महेश, सीता, हाँ आप लोगों का बिल्कुल सही है, आप लोगों का पहला कमेंट आया था, ठीक है, इसका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राजेश का पहला आ रहा है, ठीक है। राजेश कौन है जी, क्या नाम लिखते हो? राजेश का पहला आ रहा है, ठीक है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, चलिए वेरी गुड। चलिए, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में किसने शासन किया? कलचुरी वंश ने किया, वेरी गुड, कलचुरी वंश ने किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना की थी? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, वह भी कलचुरी ही होगा, ठीक है, क्या होगा? कलचुरी ही होगा। चलिए देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कलचुरियों ने किया है, किसने किया है? कलचुरियों ने। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर यानी कुबेर का नगर की उपमा दी गई है? यह रतनपुर होगा, ठीक है, रतनपुर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रतनपुर, बिल्कुल सही, रतनपुर, राजेश का आ रहा है पहला आंसर। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जो वास्तविक हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। मैं देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ और लोगों का आंसर आ जा रहा है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा हूँ और बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल आ गया है, कलिंग राजाओं का पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं मतलब, ठीक है। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुम्मार थी, आप सभी को, हाँ बिल्कुल। ये राजेश कौन है भाई, पूरा नाम लिखिए ना भाई, राजेश का बिल्कुल सही आ रहा है, पहला ही आंसर आ जाता है उसका, तुम्मार है, योगीराज, ठीक, ऋषिराज, योगीराज, भावेश, कमलेश, छोटू जैन, कौन है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? वहरेंद्र का शासनकाल क्या है? वहरेंद्र का शासनकाल क्या है, जल्दी बताइए, वहरेंद्र का शासनकाल जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वहरेंद्र का शासन क्या है? 1480 से 1525, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, क्या लास्ट क्वेश्चन, चलिए आप सभी आंसर जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है? जो नर बलि की प्रथा है प्रचलित है, बस्तर में, करौंद में या ए बी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, मैथ्स के लिए, मैथ्स से प्यून भर्ती के लिए, ठीक है, उसका जो है उसका मॉडल आंसर यानी कि आंसर की मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। चाहिए किस किस को वीडियो अच्छा लगा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, किन किन को वीडियो अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही।